वो संविधान जलाएगा और जाहिर सी बात है कि कोई पुरोहित आएगा, क्योंकि ये पूरा देश संविधान के माध्यम से चलता है और जो सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का संविधान, उन संविधान से आने वाले देशद्रोहियों के लिए कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, आप सबका कहना है, ये आप लोगों की आवाज है, बस मैं माइक के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि समुद्र को माप सके ऐसा कोई माप है क्या, और आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या, समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या, आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या, और तुम संविधान मिटाने की बात संविधान मिटाने की बात करते हो देशद्रोहियों, दूसरा संविधान लिख दे ऐसा कोई ऐसा कोई बात है क्या, कोई नहीं है, तो सबका बात का एक ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और हमारी माताओं बहनों के लिए कहना है, आज हमारी ये लोग माता जी लोग हैं, आप लोगों के लिए कहना है कि आप ही जैसी एक माँ थी भारत की माता भीमा बाई, जिन्होंने अपने गर्भ से अपने पेट से बाबा साहब जैसे रत्न को जन्म दिया, तो उस माता के लिए कहना है, अरे कुलेही का गलती हमारा ये ज्यादा कष्ट ना मत ले, महाराज ऊपर से गिर गए पाप पैदा हुआ तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ, लेकिन पूरे भारत में मात्र भीमा बाई एक ऐसी माँ थी जिनके पेट से मनवादियों के पाप का विवाह पैदा हुआ, जिसने अपनी 5000 साल के मुंह को हिला करके झगड़ोर के रख दिया और हमें समता समानता का अधिकार दे दिया। तो आइए ठीक है, एक गीत सुनते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अरले रहिए, आइए खुले करिए भैया भाई।
हेलो हेलो भैया एमआई पर ये पहले गांव का नाम था काजी नगर। काजी नगर वाले जिंदाबाद। काजी नगर वाले जिंदाबाद। मताई पहले जिंदाबाद। लड़का बच्चा जिंदाबाद। भैया चाचा जिंदाबाद। मम्मी अनीता मैडम जिंदाबाद। हम तो भूख लगल बात है।